नमस्कार, गांववाणी स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। युवा जागृति संस्थान के द्वारा स्थापित गांववाणी स्टूडियो के इस शनिवार विशेष कार्यक्रम का हमेशा प्रयास रहता है गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए ऐसे लोग जिनकी कहानियां अभी अनछुई हैं, किसी मंच के ऊपर प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें एक साझा मंच प्रदान करने का काम कर रहा है युवा जागृति संस्थान। इसी प्रकार एक सफलता की एक ऐसी कहानी जिन्होंने विवाह के बाद ना सिर्फ अपनी पढ़ाई को सुचारू रखा, साथ में उन्होंने संघर्ष करके समाज में ये साबित किया कि महिला अगर ठान ले तो कोई काम असंभव नहीं। वो महिला होते हुए उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई को भी, बच्चे की परवरिश को भी साथ में रखा, साथ में उन्होंने डिजिटल लिटरेसी का प्रशिक्षण पाकर और किस प्रकार अपने आप को आगे बढ़ाया, इसी प्रकार की एक सफलता की कहानी टीना सैनी जी आज हमारे इस गांववाणी स्टूडियो में डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगी और आपसे हम साझा करेंगे उनकी सफलता की कहानियों को कि किस प्रकार उन्होंने अपने इस संघर्ष के क्रम को आरंभ किया। तो चलिए आपको हम रूबरू कराते हैं टीना जी को। तो नमस्कार टीना जी, हम अपनी गांववाणी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और आप बताएंगे कि किस प्रकार आपने अपने संघर्ष की इस कहानी को किस प्रकार आपने एक पहल करके आगे बढ़ाया। टीना जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम टीना सैनी है, मैं बांसुर की रहने वाली हूँ। शादी से पूर्व मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। शादी के बाद मैंने युवा जागृति संस्थान में RSCIT का कोर्स किया और फिर मेरा यहाँ पे इंटरव्यू लिया गया। फिर मुझे यहाँ पर BPO की पोस्ट पर इस कार्यकृत किया गया। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, वो भी पुरुषों की बराबर कार्य कर सकती हैं। मैं जब यहाँ आती हूँ तो मैं ऑफिस का भी काम संभालती हूँ, बच्चों का भी और अपने घर का भी काम संभालती हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप यहाँ पे काम करने आते हो तो आपके जैसे आस पड़ोस में कोई महिलाएं हैं या आपके घर में भी आपके जैसे और हैं तो काफ़ी बातें बनाते होंगे, कुछ बोलते होंगे? हाँ, बोलते हैं ना। हाँ, क्या बोलते हैं? उन्हें पसंद नहीं है मेरा बाहर आना। पहले तो मेरे घर वालों को भी पसंद नहीं था, जब मैं यहाँ आने लगी तो उनको भी थोड़ा एहसास होने लगा कि ये कुछ कर सकती है, इसलिए अब सभी का मुंह बंद होने लगा है। और आप अच्छे से काम करके यहाँ से जाते हैं, अब आपको उन वो तारीफ करते होंगे कि घर वहाँ पे भी काम करके आती है, घर का भी काम करती है, बच्चे को भी संभालती है? हाँ, सब बोलते हैं। जब मैं यहाँ आती हूँ उससे पहले मैं पूरा घर का काम करके आती हूँ और फिर ऑफिस का काम करती हूँ, जाके घर का भी करती हूँ, बच्चों का भी करती हूँ। तो आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा भी? हाँ, मैं अब MA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ, पढ़ाई भी पढ़ रही हूँ, घर का भी काम कर रही हूँ। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा आपको आपसे जानकर। और बस आप किसी को कहना चाहेंगे कि आप कुछ देना चाहेंगे उनको संदेश? मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, अगर कुछ करने का जज्बा हो तो औरतें किसी से कम नहीं है, उसमें उनमें हर कुछ काम करने की हिम्मत होती है। धन्यवाद। तो ये आपने सुना कि किस प्रकार टीना ने संघर्ष करके और एक मुकाम हासिल किया। ना सिर्फ उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, जब विवाह हुआ तो वो 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने की हुई थी, आज वो MA प्री में पढ़ रही हैं। साथ में उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके समाज में जब वो घर से एक रोजगार के लिए BPO पे काम करने के लिए आती थी तो लोग किस प्रकार बात बनाते थे, लेकिन आज जब वो एक काबिल अपने पैरों पर खड़ी हो पाई है तब आज उसी के वही लोग जो पहले उसके रास्ते में रोड़ा थे, रुकावट डालते थे, आज वही उसकी बड़ाई करते हैं, वही लोग उसकी सराहना और प्रशंसा करते हैं। तो ये काम एक दिन की देन नहीं, ये एक निरंतर उनके प्रयासों का एक प्रतिफल है। तो इसी प्रकार की कहानियों को हम इस मंच के माध्यम से हर शनिवार आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो अगले शनिवार फिर आपसे मिलते हैं इसी प्रकार गांववाणी स्टूडियो के द रियल हीरो कार्यक्रम में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगले शनिवार को। अगर आपने हमारे गांववाणी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे गांववाणी स्टूडियो पे जो भी इस प्रकार की सफलता की कहानियां और नए जो मूवमेंट रिकॉर्ड किए जाएं जो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।